संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ वालों और सीटू के आगुआ ने डीसी मलेरकोटला राही मंग पत्र दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड विचों पंजाब की नुमाइंदगी खत्म करने के खिलाफ सख्त रोस का प्रगटावा करते हुए मानयोग पंजाब के राजपाल नूं मंग पत्र भेजा ता जो राजपाल इस पत्र नूं केंद्र सरकार अते प्रधानमंत्री कोल पेश करके पंजाब के हकों की पैरवाई करन तां कि केंद्र वल्लों पंजाब दे हक्कां दे मारे जांदे डाके तुरंत बंद किते जाण। ध्यानयोग है कि 1966 च बने पंजाब पुनर्गठन एक्ट दौरान BBMB की स्थापना हुई सी जिस च चेयरमैन अते दो मैंबर लै जाण दी व्यवस्था कीती गई सी। 1967 तों ही इह वड्डे सूबे अते हिस्सेदार होण दे नाते पंजाब अते हरियाणा तों ही लै जांदे हन। इन्हां विच्चों वड्डे अते वध हिस्से पंजाब नूं पहले नंबर ते रख्या जांदा है ते खर्चा भी बथेरे पंजाब ही करदा आ रहा है, पर हुण BBMB विच्चों पंजाब दी नुमाइंदगी खत्म कीती जा रही है। साडा मनना है कि BBMB पंजाब दी सरजमीन ते खड़ा होया ओह प्रबंधन है जिस तों पंजाब नूं ही आउट करन दीआं साजिशां होईआं। BBMB दे प्रबंधन चों गिन मिथ के पंजाब दी अहमियत घटाई जा रही है। पहलां इह तक्का केंद्र च काबज़ कांग्रेस दी सरकारां करदियां सन, हुण उह राह भाजपा दी अगवाई वाली मोदी सरकार ने फड़ लिया है जो पंजाब दी दुख दी रग नूं जानबुझ के दबाए जाण वाली कोझी शरारत है। होर खबरां देखण लई इस चैनल नूं लाइक सबसक्राइब अते शेयर करो तां कि तुहाडे तक नवीं नवीं खबरां पहुँचाईआं जा सकन। रिपोर्टिंग दिलदार हुसैन मलेरकोटला। असीं जी अज 8 मार्च नूं वैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हुंदा है तां असीं अज 7 तरीक नूं इत्थे मना रहे हां, क्योंकि साडी टीम इक्को ही कम कर रही है, जिले दो बन गए, इस करके कल नूं संगरूर मनाउणा है। तां तुहानूं पता ही है कि भारत दे विच करोड़ां दे विच औरत है, पर मोदी जी अंतर महिला दिवस मनाते हैं पर लगातार साड़िया भैणा ते सतद्दर हो रहा है। महिला दिवस मनाने का कोई महीना नहीं है गया, पर असं अज इत महिला दिवस मना नहीं आए, असं रोस प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि भारत के 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रही है। जे गल कर ली हरियाणे की, 3 महीने हो गए लगातार हरियाणे दी भैणां नूं सड़कां ते बैठे आ। पर खट्टर सरकार की गल करिए 400 साडी भैण नूं टर्मीनेट करता, 400 ते परचे करते, घड़ीस घड़ीस के उन्हां नूं सड़कां ते गिरफ्तार किया गया। तो खट्टर सरकार नूं समझ लेना चाहिए कि औरतों ते इस तरह सदर, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि किसी हक मंगदे नूं मारो, वो अपना हक लैण लई अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। पर वो सरकार नूं दसांगे, हाले भी लगातार जिहड़ा उन्हां दा धरना दिन रात दा जारी है। सो साडे भारत नूं आजाद होए नूं अज 68 साल हो गए, पर साडे बच्चे भारत दे बाहरले फॉरन कंट्री विच पढ़न जा रहे हैं। जिवें हुण पिछे तुसीं देखे होणा है यूक्रेन दे विच साडे पंजाबी जिहड़े बच्चे सी, भारत दे बच्चे सी, किन्ने उधर जाके फसे, पर उस यूक्रेन नूं 30 साल होए आजाद होया, साढ़े भारत नूं 68 साल हो गए। सरकार जे मोदी ये कहंदे ना कि मैं बाहरले फॉरन कंट्रियां इत्थे सहूलतां कर दूं, तां कर देवे अज साडियां मामा, उहनां नूं पुछ के देखो जिन्हां दे बच्चे यूक्रेन दे विच फसे होए हैं, उहनां नूं ना नींद है ना चैन है और ना ही बच्चे आ रहे हैं। कुछ परत गए, कुछ राहां च रुलदे हैं ते कुछां दी उत्थे मौत भी हो चुकी है। मोदी सरकार वल्लों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लाया जा रहा है, ये नारियां नाल बेटी सुरक्षित रह सकती है या पढ़ाई जा सकती है, कितना सही मन तुसी? देखो नारे तो इन्होंने लाए हैं, मैं पहला अपने भाषण के भी बोले है कि नारे जरूर लाते हैं, दर्जा जरूर दिता कि बराबर का औरत को दर्जा देना है, पर अज भी साडे भारत दे विच कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं हैगी, क्योंकि कितने भी साडी भैण नेरे सवेरे जा नहीं सकती हैगी, कितने कल्ली कहरी जा नहीं सकती हैगी, कितने सुरक्षित है मेरी भैण कितने भी नहीं हैगी। बेटियां भैणां लई कोई थोड़े वल्लों कोई मैसेज कोई संदेश मतलब जिहड़ा कि बढ़ावे लई इकजुट होण दी लोड़ है? साडे वल्लों यह संदेश है कि पूरे भारत दीआं बेटियां मामा भैणां एकजुट होण, ते सरकार नूं इह चाहीदा है कि इहनां लई स्पैशल जिवें हुण मलेरकोटला दे विच
मतलब एक लेडीज़ हैं साढ़े जड़े डीसी साहब हैं वो भी लेडीज़ हैं एसएसपी साहब हैं वो भी लेडीज़ हैं तो इस तरह होर भी साड़ियाँ भैनों सहूलत दी जा नौकरियां बद दी जा बार्डर से भी साड़ियाँ भैन लड़न तैयार है कि भी साड़ी भैन पिछे हटने वाली नहीं हैगी पर इन्हों सुरक्षित की लड़ है। असी अज उरे डीसी साहब दे लाया हुआ भी धरना साढ़े आंगनबाड़ी वाले किसान दी जथेबंदियां दी सारे रल के पानी दे मसले ने आंगनबाड़ियां दे मसले ने बहुत मसले ने वह मसले के उपर असी अज डीसी मंग पत्र दिता जिमें कि हुण आंगनबाड़ी बारे तो साढ़े गुरमेल कौर भैन ने थोनू दस ही दिता जिहड़ा पानी का मसला ये कल्ला किसानां दा मसला नहीं रहा पानी का ये मसला तो गरीब अमीर सारे वर्गों का मसला है पानी का जे साडे कोलों केंद्र सरकार ने पानी खोह के इस तरह के हालात करके लै गए तो असीं पीण तों भी तरसांगे फसलों नूं पानी देण दी तां दूर दी गल आ पीण तों भी तरसांगे असीं भी इस तरह के माहौल ये जिहड़ी मोदी सरकार आ इस तरह के कर रही आ अज सानू कट्ठे होने की जरूरत आ चाहे कोई भी इंसान किसी धर्म के नाल संबंध रखता जिहड़ा पानी पीता उन्हूं एक प्लेटफार्म से कट्ठे होने की लोड़ आज आने वाले संघर्ष विड़िया जा रहा असी 28-29 तरीक नू ऐसे महीने च पूरा भारत बंद कर रहे हैं सीटू वालों नाल सारिया जथेबंदियां दी सानू हमायत आ असी सूई तो लैके हवाई जहाज तक बंद कर देना ये सरकार नू दसांगे असी उहदे संघर्ष दो दिन की हड़ताल है जी उहनू कामयाब करने वास्ते असी अज पिंडां दे विच ब्रांचां दीआं मीटिंगां तहसीलां दीआं मीटिंगां जिलिआं दीआं मीटिंगां वो असी कर रहे हैं सारियां जिहड़ी 28-29 दी तरीक आ उहनू पूरी सफल बनाउण वास्ते ऐन सारियां अज आंगनबाड़ी भैण ने साडे गुरमेल कौर इन्हां ने भी अज पूरे साडे धरने च ही असी मीटिंग भी करी आ मीटिंग करके भी पिंड जाके आंगनबाड़ी वर्कर ने जिहड़े होर हैल्पर ने चाहे मिड डे मील वाले होण चाहे नरेगा वाले होण भट्ठा वर्कर होण आशा वर्कर होण असी सारे नूं मैसेज करिया भी 28-29 नूं असी पूरा कामयाब करांगे संघर्ष दे हड़ताल दे दौरान मतलब मंग पत्र भी दित्ते जाणगे जां बसा रुकी जाणगे हां मंग पत्र भी असी देवांगे ते हड़ताल असी चलण ही नहीं देना कुछ असी बसां रेल कुछ भी चीज़ असी सारे टुट दो दिन वास्ते बंद करांगे।